हल्द्वानी हिंसा में बुरके में छिपकर पत्थरबाजी करने वाली महिलाओं को पुलिस ने खोज निकाला। जी हाँ, ये वही महिलाएं हैं जिन्होंने 8 फरवरी को मलिक बगीचे में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और जिला प्रशासन की टीम पर बुरके में छिपकर पत्थरबाजी की थी। आपको बता दें, इस पूरे मामले में करीब 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। उनको चिन्हित कर गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी की संख्या की बात की जाए तो अब तक इस मामले में 5 महिलाएं समेत 89 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। नैनीताल एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने 5 महिलाओं की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। उन्होंने बताया है कि हल्द्वानी हिंसा में कुछ महिलाओं की भूमिका भी सामने आई थी, जिसके बाद पुलिस की टीम ने पहली बार 5 महिलाओं को चिन्हित करते हुए उनको गिरफ्तार किया है। देखिए, बनपुनपुरा में जो घटना हुई है उसमें 3 एफआईआर लिखी गई थी। अब इसमें जो हमारे पास साक्ष्य आ रहे हैं, जो वीडियो फुटेज का एनालिसिस हमने किया है और जिस तरीके से जो वहाँ पर ऑब्जर्व करने वाले लोग चिन्हित हुए हैं, इसमें कुछ महिलाओं की भी संलिप्तता आई थी। तो आज उसमें साक्ष्य संकलन करते हमने 5 महिलाएँ जो उनको गिरफ्तार किया है। ये 5ों महिलाएँ मलिक का जो बगीचा है उस वहाँ पर जब अतिक्रमण की कार्रवाई को किया जा रहा था उस संदर्भ में इनके द्वारा वहाँ पर पुलिस पार्टी पर पथराव किया गया एवं पुलिस पार्टी का जो वाहन थे उनको जलाने में जो दंगाई थी उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उसी आधार पर 5ों महिलाओं को इस दंगे में शामिल करते गिरफ्तार किया। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, क्या और भी चिन्हित करी हैं अभी? देखिए, और भी महिलाएँ हैं जिनका चिन्हीकरण का काम चल रहा है। तो हमारे पास जो बाकी वीडियोज हैं, फुटेज हैं, उनके आधार पर हम बाकी लोगों को चिन्हित करें। आने वाले समय में और महिलाओं की गिरफ्तारी भी इसमें। सर, ये 5ों महिलाएं जो हैं वो हल्द्वानी से ही हैं या कोई बाहर से भी हैं महिलाएं? देखिए, जो अभी तक का हमारे पास डाटा है उसके हिसाब से महिलाएं 5ों की 5ों जो बनपुरा क्षेत्र की। हल्द्वानी से पंजाब केसरी टीवी के लिए तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।